क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी कार्बन्स आर इन सिंपलेस्ट एल्काइन हैविंग टू साइड चेन. ठीक है, तो भाई पहले एल्कीन बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड सी, दो साइड चेन ये. ठीक है, साइड चेन समझते हो, देखो ये होगी पेरेंट चेन, एक दो तीन चार, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 है ना, ये पेरेंट चेन और ये दो साइड चेन हो गई. इसके अंदर ये क्वार्टरनरी कार्बन है ना, जो कार्बन चार कार्बन से अटैच होता है. अब तो तुम परफेक्ट हो चुके हो, लगभग 90% बच्चों ने मेरे को 12 बजे तक डीपीपी सेंड कर दी थी. ठीक है, तो बेटा समय लगा के डीपीपी सेंड किया करो, समय जरूर लिखो, है ना, अच्छा कर रहे हो आप, और डीपीपी देंगे काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑर्गेनिक में मजा आएगा. देखो लिख लिया अभी, 1 2 3, आप साइड चेन दो गई तो कितने कार्बन हो गए टोटल बेटा, 1 2 3 4 5 6. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ऑलमोस्ट सबका सही होगा. डीपीपी में टाइम से करने के लिए इसलिए बोलता हूं, अगर आप टाइम लगा के करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका पेपर बिल्कुल सही टाइम पर होगा, जो फाइनल पेपर है ना, और एक्यूरेसी भी आएगी. व्हेन विनाइल एंड एलाइल, अब समझो बेटा, देखो विनाइल ये होता है, अब तो आपको जब शुरू में पढ़ा रहा था तो तुम परेशान हो रहे थे कि सर कितना लर्न करना पड़ेगा, ये विनाइल है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं बेटा विनाइलिक कार्बन, और ये एलाइल है, देखो मैंने बताया था आपको, ये एलाइल है ना, ये पूरा ग्रुप एलाइल, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, है ना, दिस इज विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, हाँ एथेनाइलिक बोलते हैं, बिल्कुल सही है. अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, ये जुड़ गए. ठीक है, तो क्या बना, वी गेट आइसोलेटेड, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था, देखो आइसोलेटेड डाइन क्या होती है, आइसोलेटेड डाइन, डाइन जिसमें डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होता है ना. अब देखो डबल बॉन्ड है डबल, सिंगल सिंगल, कम से कम दो डबल बॉन्ड, अगर कम से कम एटलीस्ट दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन, है ना, आइसोलेटेड डाइन. ये बेटा एलाइलिक ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच, इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, दिस इज विनाइलिक, इन दोनों को जोड़ दो. ठीक है, तो ये बन गया आइसोलेटेड डाइन. एक चीज ध्यान रखना, अगर डबल सिंगल डबल होता है, ध्यान रखना डबल सिंगल डबल, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेटेड डाइन, है ना, मैंने बताया था आपको, दोबारा फिर देख लो, कॉन्जुगेटेड डाइन, याद करने की कोशिश करो, कॉन्जुगेटेड, अगर दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से, अगर दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड डाइन. आइसोलेटेड डाइन की डेफिनेशन क्या है बेटा, टू डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई एटलीस्ट टू सिंगल बॉन्ड, कम से कम दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होने चाहिए, तो उसको आइसोलेटेड डाइन बोलते हैं. क्लियर है, लिख लो साथ साथ, कॉन्जुगेटेड डाइन, दो डबल बॉन्ड सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो. अच्छा आईयूपीएसी नेम बताओ जल्दी इसका, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूटा 1 3 डाइन. बताया था मैंने आपको रूल, अगर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो आ लग जाता है. ठीक है, यस सर, सारे तो ये तो कॉन्जुगेटेड होगी, एक होती है बेटा क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होते हैं, क्यूमुलेटेड बोलते हैं जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होंगे. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटेड, ध्यान रखना क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड लगातार डबल बॉन्ड, बड़े ज्यादा अनस्टेबल होते हैं ये, क्यूमुलेटेड डाइन बार बार आएगा, समझ जाओगे, अनस्टेबल, डबल डबल पास है ये, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है बहुत ज्यादा पास पास, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, लिखते जाएगा वो सारी चीजें, क्यूमुलेटेड डाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, करते भी प्रोपा 1 2 डाइन ना, प्रोपा 1 2 डाइन है ना, क्यूमुलेटेड डाइन बोलते हैं अगर लगातार डबल बॉन्ड हो तो. ठीक है, देखो यहां पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड है ना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तीन है,
चलो आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड हो गया हुआ है ना, सेकेंडरी कार्बन एटम जो आईपीएससी आ जाएगा समझ में जब प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ आईयूपीएससी भी आ रहा है, आईयूपीएससी भी आएगा। चलो आगे देखो, द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड, आईपीएससी है बेटा टेस्ट में, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? हो गया था, देखो नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट से करोगे है ना। हाँ मेन मेन्स बेटर, नंबरिंग लेफ्ट से करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री नहीं पहले फाइव ही था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं, हो गया चलो ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, फाइव फाइव में बेटा स्ट्रक्चर ये होगा, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी 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 एच थ्री, टेस्ट में जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है, एच और ये सी एच थ्री। देखो स्ट्रक्चर देखो, सी एच थ्री दे रखा है, उसके बाद सी सी एच में लगा रखा सी सी है ना, फिर सी सी के साथ सी एच थ्री लगा रखा ब्रैकेट में, फिर सी तो हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए वैलेंसी, फिर एच और सी एच थ्री ठीक है। ये है आईपीएससी जितना पढ़ा दूंगा मैं आपको इस वीक। अब नंबरिंग किधर से करोगे बताओ जरा, नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे, इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से बोलो बच्चों है ना, इधर से करोगे ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। मैंने आपको बताया था डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, हाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आप प्रेफरेंस देते हो डबल बॉन्ड को, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग कराने पर सेम पोजीशन पर आ रहे होते हैं तो ठीक है। ये कपिल जी ये सारे भर लिया करो, तो खराब हो जाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट, तो नंबरिंग कर ली होगी बेटा, इसका नंबरिंग क्या होगी, थ्री पर मिथाइल, थ्री मिथाइल, इसके बाद टोटल कार्बन है फाइव हेक्स सिक्स हेक्स, इसके बाद टू इन और फोर आइन, कौन सा स्ट्रक्चर है, थ्री मिथाइल हेक्स टू इन और फोर आइन, बी पार्ट है ना, हाँ बी पार्ट आ गया ना ठीक है। अगर डिफरेंट पोजीशन होती है तो बेटा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड देखते हैं ठीक है। अब एक रूल लिखाया था आपको है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, अगर यहाँ ए ई ओ आई सारे बॉबल्स और वाई होता है तो जो प्राइमरी सफिक्स है उसके ई को एलिमिनेट कर देते हैं है ना, याद होगा आपको, उसके ई को एलिमिनेट कर देंगे ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, नंबरिंग कहां से करोगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हो गया होगा, सेवन टू इथाइल पेंट थ्री आइन, इसका करेक्ट नेम है ना, करेक्ट नेम कर लिया होगा, हो गया ना सेवन भी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर, अच्छा सेवन बता दूं, देखो ये सेवन बता देता हूं, करेक्ट टू इथाइल बनाओ, टू इथाइल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एल्कीन आइन, एल्कीन आइन में बेटा डबल बॉन्ड भी, अच्छा सॉरी सेवन पहले, टू इथाइल पेंट थ्री आइन, देखो टू इथाइल पेंट थ्री आइन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन ये गलत है नाम है ना, जो दिया हुआ है गलत है, तो बेटा इसका सही नाम क्या होगा, पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो ये वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी ये आ जाएगा ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो बेटा इसका नाम होगा फोर मिथाइल हेक्स टू आइन ठीक है ना, सी पार्ट, जो नाम दे रखा था वो गलत था, उसका करेक्ट नेम ये होगा क्योंकि हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे है ना। रूल बार बार पढ़ो नोट से, वैसे प्रैक्टिस करोगे दो चार डीपीपी और मिलेंगी तो रूल आपको खुद ही लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीन आइन्स, तो बेटा एक डबल बॉन्ड लगा लो, एल्कीन आइन मतलब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये आएगा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो, कितने कार्बन, चार है, दो तीन और एक चार, सी फोर एच फोर, ये आएगा सी फोर एच फोर, क्या होगा ब्यूटीन आइन
ठीक है भाई, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन डज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन? बेटा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये होता है, इसकी नेमिंग भी करेंगे साइक्लिक की आज, मिथाइल। तो इसमें ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, दिस इज टर्शियरी एंड दिस इज प्राइमरी कार्बन। चलो आगे, C3H7Br2। अब आप परेशान हो रहे थे सर ये ब्रोमाइड क्या, जैम क्या होता है ना, तो मैंने आपको बताया था जैम क्या होता है, अगर एक ही कार्बन पर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट या सेम ग्रुप लगे होते हैं। एल्कीनाइन तो आपने बताया ही नहीं था, अरे बेटा एल्कीनाइन का नोमेनक्लेचर तो कराया था मैंने, ठीक है, ईन आता है फिर आइन आता है। चलो ये है जैम, जैम डाइब्रोमाइड, ठीक है, 1 2 3 आईपीसी नेम अलग होगा इसका, जैम। और दूसरा जैम क्या बन सकता है, ये बीआर और बीआर, ठीक है, इसका विस बनाओ, विस विसिनल सीएच, ये होगा बीआर और सीएच टू बीआर, विस तो एक ही बनेगा विसिनल, है ना, हो गया था, विसिनल तो एक ही बनेगा ना बेटा, और जैम कितने बनेंगे, दो बनेंगे। जैम क्या होता है, जब एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप लगे होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, बार बार मैं बताता जाऊंगा ताकि तुम्हें लर्न हो जाए, जैम डायऑल अनस्टेबल होता है ना, एक कार्बन पर दो OH नहीं टिकते हैं, पानी निकल जाता है, जैम डायऑल अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पर दो OH नहीं निकलते हैं, पानी निकल जाता है। बार बार लिख लिया करो, है ना, इसका रीजन आगे समझ में आएगा, ऐसा क्यों होता है, जैम डायऑल अनस्टेबल क्यों होता है, ये आपको आगे रीजन आएगा समझ में जब हम मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और एक और बताया था आपको, विसिनल आयोडाइड भी अनस्टेबल होता है, नहीं बताया तो लिख लेना भाई, विसिनल आयोडाइड भी अनस्टेबल होता है, एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन जहां आपको मिले तुरंत निकाल के डबल बॉन्ड लगा दो प्लस आई टू, है ना, विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल, ध्यान रखना, नोट करो कहीं डिब्बे में बंद करो इसको, इसका रीजन भी आपको ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म में मिलने वाला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है बार बार करेंगे, दो तीन चैप्टरों में हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे तो फिर गलत नहीं होने का। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया भाई, 11 सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच सी एच थ्री का होल ट्वाइस, इथाइल कीटोन हो गया ना, चलो हो गया तो ठीक है। इथाइल कीटोन क्या होता है बेटा, इथाइल कीटोन ये होता है जब दोनों तरफ इथाइल आ जाए, डाई इथाइल कीटोन बोलते हैं ये, अभी मैं कराऊंगा ये, अभी देखो हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं, एक एक करके हम कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप भी हम एक एक करके नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो भाई आपको बता दिया अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ये एलिमेंट होते हैं कार्बन के अलावा तो उनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। देखो ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक, बार बार मैं इस तरह के कंपाउंड को आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं थायोफीन, लिख भी लेना नाम थायोफीन, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ये होता है बेटा फ्यूरान, इसका नाम, ये होता है पायरोल या नाइट्रोजन रिंग में पायरोल, इसका नाम होता है पायरेडीन, पायरेडीन, बार बार आना है तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और बेटा कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये, या होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये कुछ लोग मुझे पूछते थे गोला क्या है, तो बेटा गोला क्या है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड ऐसे घूमते हैं तो गोला लगा देते हैं, इसका मतलब ये आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगाना है ना, हाँ बिल्कुल सही है। ये एंथ्रासीन है, देखो दो बेंजीन है तो नेफ्थलीन, अगर तीन है तो क्या बेटा एंथ्रासीन, बार बार लिखते जाएंगे तो याद होएंगे ना, ये एंथ्रासीन है वाला, तीन बेंजीन वाला, ये बेटा नेफ्थलीन है, ये बेंजीन है, ये सारे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बोसाइक्लिक
और होमोसाइक्लिक, है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गए, इनमें हेट्रो एटम आ गया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, साइक्लिक क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटा साइक्लिक है ना, रिंग है, तो रिंग में हमेशा साइक्लिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गए ना सारे, अब देखो 13, द कंपाउंड विच हैज ओनली वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। चलो करो, नहीं किया हो तो मेरे साथ फटाफट करो ये। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, साइक्लो क्या पूछ रहे हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, सर एर्थ में डी ऑप्शन ब्यूट वन इन थ्री आयन होगा, एर्थ में ब्यूट वन इन थ्री आयन होगा, बिल्कुल सही है, ब्यूट वन इन थ्री आयन होगा, ठीक है। बेंजीन में सर्कल क्यों लगाया, देखो बेटा ये जो बेंजीन, ये मैंने स्ट्रक्चर है बेंजीन का, और हम इसको ये भी बनाते हैं, इसका मतलब है ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सर्कल का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, है ना। बाकी एरोमेटिसिटी एक पूरा टॉपिक आएगा, उसमें सर्किल का महत्व सिग्निफिकेंस मालूम चलेगा। अभी तो ध्यान रख लो, कहीं सर्कल मिल गया आपको, आपने अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया, है ना। और देखो अगर आपको ये मिल गया ऐसे ऐसे सर्कल में माइनस चार्ज, तो क्या करोगे, इसको ऐसे लगाओगे, डबल माइनस चार्ज फिर डबल ऐसे, या सर्कल में माइनस चार्ज ऐसे लगा देते हैं, है ना। या आपको ऐसे मिल गया, देखो समझना, ये प्लस है, तो आप क्या करोगे, देखो सात कार्बन है ये, तो ऐसे सात कार्बन बना दिया आपने और सर्कल के अंदर प्लस लगा दिया, इसका मतलब यही है, ठीक है, इसका मतलब ये है। चलो आगे मिटा रहा हूं मैं, एक बार सिक्स बता दो, हितांशु बोल रहा है सिक्स बता दो, सिक्स क्या होगा बेटा इसमें, ये है सिक्स, चलो बता देता हूँ, सिक्स सी एच सी डबल बॉन्ड सी एच टू, वन टू थ्री फोर। देखो नंबरिंग हम प्रिफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को, ये ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट है तो हम डबल बॉन्ड को प्रिफरेंस देंगे, ठीक है। तो क्या नाम होगा उसका, थ्री थ्री डाइमिथाइल ब्यूट वन इन, थ्री थ्री डाइमिथाइल ब्यूट वन इन, या वन ब्यूट इन भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इलेवन इलेवन का आईपीयूसी नेम, तुम कुछ नहीं छोड़ोगे, सब पूछ लोगे, सी एच सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। नंबरिंग वन टू थ्री फोर ये बताएंगे बेटा, ये नंबरिंग, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन, या वन ब्यूटीन, ठीक है, बी पार्ट आंसर होगा इलेवन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब देखो 13 12 देख लो पहले, वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो बेटा टू 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 थ्री थ्री वन टू थ्री फोर फाइव टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अब देखो इसमें एक भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं है बेटा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है, ध्यान देना, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, यहां पर कहीं भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं है पहले में, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, टू टू डाइमिथाइल पेंटेन, इसमें भी कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं है। चलो लास्ट देखते हैं, डी टू मिथाइल पेंटेन, समझना, देखो टू मिथाइल वन टू थ्री फोर फाइव टू मिथाइल पेंटेन, अब इसके अंदर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये है, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, या आइसोप्रोपाइल रेडिकल बोल सकते हैं इसको, जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज ये क्या होता है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल बोल सकते हैं इसको, हाँ डी ऑप्शन होगा बेटा इसका। 14 बताना है, हो गया 14 बताना है, हो गया 14 हो गया, ठीक है, हो गया सबका, हो गया, प्लीज टेल, रेडिकल इनको रेडिकल बोल देते हैं, हमने बताया था ना सब्स्टिट्यूएंट, है ना, जैसे ये कहीं लगा हुआ है तो ये आइसोब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है। चलो 14 बता दो प्लीज, बता देता हूं भाई, देखो ये सी एफ थ्री है तो एफ लगाओ, एफ लगाओ एफ, फिर सी है, सी के साथ आपका आई है, बी आर है और सी एल है, है ना, सी के साथ तीन एफ है, यहां पर बी आर सी एल और आई है,
ठीक है, बी आर सी एल आई। अब नंबरिंग आप किधर से भी कर लो, इधर से करोगे तो वन वन वन, वन तीन, टू 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 टू, इधर से करोगे तब भी वन वन, तो आप हाँ बिल्कुल सही है दुष्यंत, अल्फाबेटिक ऑर्डर लेंगे तो वन टू यहां से करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, वन ब्रोमो, बी के बाद वन क्लोरो, वन आयडो, नहीं फिर आएगा टू 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 ट्राई फ्लोरो, फिर आएगा वन आयडो, फिर आएगा ईथेन। देखो सही लिखा है क्या मैंने, टू टू ट्राई फ्लोरो, वन ब्रोमो, वन क्लोरो, टू टू ट्राई फ्लोरो, वन आइडो इथेन। ठीक है, ठीक है। अब देखो 15, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन विल बी प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग टू टर्शियरी एंड। हो गया 15, हो गया सबका, चलो हो गया ओके। 16, विच ऑफ द, नहीं नो सर बोल रहे हो मेरे भाई, ये देखो सिंपली ये कह रहा है आपको बताना है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग टू टर्शियरी एंड वन क्वार्टरनरी, वन सेकेंडरी, अच्छा टू, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन विल बी प्रेजेंट इन अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग टू टर्शियरी बोल रहा है ना, तो टर्शियरी ये, ठीक है, दो टर्शियरी एंड वन सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी एंड वन सेकेंडरी कार्बन, तो फिर तो ये आएगा, ठीक है ये आएगा, ट्रायंगल बना दो, चलो ट्रायंगल बनाओ जरा, ये हाई ये आ गया ट्रायंगल, हाँ एक दो तीन चार, बिल्कुल सही है भाई, यही होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, यही है ना, तो प्राइमरी कार्बन कितना हो गया, एक हो गया इसके अंदर, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन, एक ही आया इसके अंदर, पर सिंपल हाइड्रोकार्बन तो बेटा ये बनेगा, इसमें एक दो तीन चार आएंगे, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक नहीं बोला इसने, ठीक है, वैसे तो ये भी हो सकता था पर ये साइक्लिक में आ गया, ठीक है, पता लिख, वैसे तो देखो ये भी ऑप्शन में होता ना तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि दोनों ही है, चार भी हो सकता है सिंपल हाइड्रोकार्बन बनाओगे तो, लेकिन साइक्लिक सिंपलेस्ट बोल दिया ना उसने, साइक्लिक अगर कुछ नहीं बोलता है ना तब ये कर देते, ओके आगे, एच शेप, अच्छा ये इसमें दो टर्शियरी हैं, सेकेंडरी तो आई नहीं बेटा एच शेप में, आंसर क्या है 15 का, वन है आंसर, तो बी पार्ट आएगा, बी है ना आंसर इसका, हाँ बी है फोर, ठीक है चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट, हो जाएगा ना, देखो पहले दूसरे में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, दूसरे तीसरे में कम, तीसरे चौथे में और कम, और ऊपर जाते हुए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी डिफरेंस बेटा ज्यादा होता है E1 और E2, आपने निकाला होगा एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन वन करोगे, E1 और E2, E1 E2 का डिफरेंस लोगे कितना आएगा बताओ जरा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तुरंत आपने बता दिया, ठीक है E2 और E3 में डिफरेंस बताओ जरा जल्दी, E2 E3 में डिफरेंस बताओ जल्दी, अरे मुझे कैलकुलेट करके 3.4, अच्छा चलो अब ये इससे आगे वाले में डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 1.9, ठीक है प्रैक्टिस करो बढ़िया ताकि याद भी हो जाए, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट 17, इफ द आयनेशन एनर्जी ऑफ Li+2 इज एक्स देन आयनेशन एनर्जी ऑफ Hg+, देखो आपको बताया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हाँ हो गया सबका गुड, पॉजिटिव होती है किसके, टोटल एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव ऑफ टोटल एनर्जी है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हो गया ना, करा दो सर चलो। अब देखो मान लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी किसी फर्स्ट एलिमेंट की है तो क्या लिखोगे, प्लस का 13.6 जेड वन स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर IE2, सेकेंड कोई आइटम है उसकी 13.6 जेड टू स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा IE1
अपॉन आई टू किसी दूसरे एटम की, तो ये आएगा जेड वन स्क्वायर अपॉन जेड टू स्क्वायर इंटू एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। अब देखो इसमें आयनस एनर्जी एल आई प्लस टू और एच ई प्लस, तो भाई ये सारे देखो इलेक्ट्रॉन तो एक एक ही है ना इनमें, तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, तो एन तो दोनों में फर्स्ट काट दो, जेड वन फर्स्ट वाले का जेड कितना होगा थ्री का स्क्वायर, आयनस एनर्जी एल आई प्लस टू ठीक है, और जेड टू कितना होगा टू का स्क्वायर, फर्स्ट की आयनस एनर्जी देखिए एक्स और इसकी पूछिए, आ जाएगा आंसर यस और नो 18 द वर्क फंक्शन हो गया बेटा 18 भी। 18 में आप क्या लगाते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, है ना, एच न्यू नोट क्या होता है वर्क फंक्शन, ठीक है, एच न्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या इसको हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, इस पर आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं, इसको आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं, आइंस्टीन। बाइंडिंग एनर्जी और आयनेशन एनर्जी में डिफरेंस पूछ रहे हो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, इफ 18.4 एनर्जी, ये हो गया हाँ ठीक है कर्तव्य सेम ही है, हो गया 8.4। एक चीज ध्यान रखना बेटा, बता देता हूं फिर भी, देखो सुनो जरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू थ्री और n इज इक्वल टू फोर बना लो आप। हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट की एनर्जी बताओ कितनी होती है, बोलो फर्स्ट की एनर्जी माइनस का 13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, सेकंड की कितनी होती है, सेकंड में माइनस का 3.4, थर्ड में कितनी होती है, थर्ड में माइनस का 1.51। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में ले जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, फर्स्ट से सेकंड में इलेक्ट्रॉन ले जाना 10.2 देनी पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड में ले जाना है कितनी एनर्जी, फर्स्ट से थर्ड में 12.09, फर्स्ट से फोर्थ में ले जाना है कितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी 12.75। अब देखो अगर हमें फर्स्ट से इनफाइनाइट ले जाना है तो कितनी एनर्जी, फर्स्ट से इनफाइनाइट ले जाना है 13.6, बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इनफाइनाइट पे क्या एनर्जी जीरो है 13.6। अब ध्यान रखना अगर आप एग्जैक्टली 10.2 एनर्जी देते हो तो n इज इक्वल टू 2 में जाएगा, एग्जैक्टली 10.2। जब इस पे फोटोन पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होता है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करता है, एक फोटोन दो फोटोन, है ना, क्वांटाइज होता है, पढ़ा होगा ना क्वांटाइज पार्टिकल पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना 10.2 का एग्जैक्ट 10.2 एनर्जी का पार्टिकल पड़ेगा तभी ये सेकंड में जाएगा, अगर 10.2 से कम होगा तब ये एक्साइट ही नहीं होगा, तब जो एनर्जी की डाली आपने तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटल को गर्म कर देगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ अगर आप 12.09 दोगे एग्जैक्ट 12.09 तो एनर्जी को 2 में चला जाएगा, अगर आपने 10.4 दे दी एनर्जी कहां जाएगा बेटा, 10.4 दी तो n इक्वल टू 2 में या n इक्वल टू 1 में, 10.4 1 में ही रहेगा, ध्यान रखना बेटा 1 में रहेगा, एग्जैक्ट सेम एनर्जी अगर 12.09 एनर्जी है 2 में जाने के लिए तो 12.9 ही डालोगे तब वो 2 में जाएगा, ये एग्जैक्ट एनर्जी डालनी पड़ेगी आपको, एक फोटोन पड़ेगा उससे पहले, उससे कम या ज्यादा एनर्जी होगी तो वो एनर्जी हीट एनर्जी में चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, हाँ ठीक है। चलो इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, देखो 20 में जो पैलेडियम है ये इसका याद रखना एक्सेप्शन है 4D10 5A0, आप इसको ऐसे याद नहीं करना ऐसे कॉपर का याद कर लिया था आपको आपने 3D क्या होता है कॉपर का 3D10 और 4S1 होता है ना, तो इसको ये नहीं लिख दोगे 3D हाँ 4S1 यही तो होता है ना कॉपर का 3D10 4S1, ये होता है 4D10 5S0 होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, वैसे तो ये होना चाहिए था 4D8 और 5S2,
लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाते हैं, 4d10 5s0 होता है, ये आपको सर ने बताया होगा, बताया था ना, ठीक है। हाँ क्रोमियम भी एक्सेप्शन है, बिल्कुल सही है, सब कुछ तो जानते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस n2 - n1 × n2 - n1 + 1/2 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 द रेशियो वेलोसिटी हो गया, चलो 23 हो गया, 23 भी हो गया सबका, गुड। आदित्य कह रहा नहीं हुआ। 21 तो यार n2 - n1 × n2 - n1/2, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन होते हैं किसी भी हायर से किसी भी लोअर में आने के लिए, लेकिन n × n-1/2 जो होता है वो किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से वन में आए, ग्राउंड स्टेट में आए तब ये है, लेकिन किसी में से भी किसी में आने के लिए n2 - n1 × ठीक है। 23 करा दो, चलो करा देते हैं भाई। 15 बता दो, 15 तो करा दिया है, चलो ये देख लो फिर से। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी है यार, इसमें सिंपल है, इसको क्यों पूछ रहे हो तू। दूसरा तो लैम्डा वन लैम्डा टू लिख दो, एच अपॉन सेकंड में क्या बोल दिया इसने, 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स क्या होगा 1/4 ऑफ एक्स इंटू वेलोसिटी कितना है 75%, तो 3/4 ऑफ वी, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, दोनों को डिवाइड करो एम से, ये एम है, एम से एम कैंसिल, वी से वी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, लैम्डा वन कितना है 1 है तो लैम्डा टू आ जाएगा, सिंपल यार, ठीक है ना। 5.3 आता है, 5.3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया भाई, 24 नहीं हुआ, चलो बता देते हैं, 24 करा देते हैं, करा देता हूं। अच्छा हाँ, आप लोग पूछ रहे हो कि भाई 21 में समेशन n2 - n1 भी तो होगा, ये भी तो बात सही है, क्यों नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 में ए पार्ट भी तो सही है, 21 में ए पार्ट भी तो सही है, नहीं सही है, समेशन n2 - n1 पर ये होना चाहिए n2 - n1 पूरा, है ना, हाँ ए पार्ट सही है। अच्छा ए पार्टी तो सही है, सी तो आई नहीं, सी में तो क्या गलती है, n2 - n1 × n2 - n1 + 1/2 होना चाहिए, माइनस वन है, ए पार्टी आंसर है, बिल्कुल सही है, चलो 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 ध्यान रखो। अब है क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 देखो ध्यान से, क्वांटम नंबर पर बेस्ड है, चलो मैं बता रहा हूं, बताना सही है नहीं, 1s2 2s2 2p6 2px 2pz 2py, देखो p का +1 0 - 1 या -1 0 + 1, z का कितना लेते हैं, 0 लेते हैं हम, पता पड़ा है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, z का कितना होता है बेटा 0, इसका +1 0 - 1 या -1 0 + 1, p में +-1 + -1, py में +-1, z का कंसीडर किया जाता है 0, तो इसमें 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2p6, फिर 3s2 3px 3py 3pz, यहां +-1 होगा इसका, +-1 होगा इसका, क्या होगा 0 होगा। देखो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 6 10 और 2 12 12 13 14 15 16 17, देखो ये इनका हाफ है प्लस हाफ है, इनका क्या होगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ यहां पर आ गया लास्ट वाला, तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 17 इलेक्ट्रॉन भर गए, 17 ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर रिपीट करा दो बेटा, देखो 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो, 3s2 उसने ही कहा कि 17th इलेक्ट्रॉन का करा, n = 3 है, 4 क्वांटम नंबर है और l 1 है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके दे रखे हैं क्वांटम नंबर, n 0 और s -1/2 है, तो हम ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अब देखो 3p में n कितना होता है बेटा, 3 होता है, p के लिए l कितना होता है 1 होता है, अब ये px py pz होता है, समझना ध्यान से, px py और pz लिखना, क्योंकि pz का 0 कंसीडर किया जाता है m, इसका +-1 लिखा होगा सर ने, इसका +-1 इसका 0, तो अब यहां तक देखो कितने भर गए, 2 4 10 और 2 12
13 ये प्लस हाफ होगा 14, 15, 16 और इसका कितना होगा माइनस हाफ 17, 17। नेक्स्ट, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आईटी में पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी सबकी एनर्जी बराबर होती है। ठीक है भाई, क्या आंसर है? डी है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, द इनकरेक्ट वन इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। बिल्कुल सही है, एन बढ़ेगा, रेडियस क्या होती है बेटा एन स्क्वायर अपॉन जेड, ध्यान रखो एन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन, पोटेंशियल एनर्जी, अब ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी माइनस साइन होता है दोनों ही, जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एन बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों ही क्या होती है बढ़ती है, इनफाइनाइट है पर होकर क्या होती है जीरो। हाँ बट डबल, बिल्कुल सही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस के जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, न्यूक्लियस से दूर होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कम होगी, पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बढ़ती है। ठीक है, चलो आंसर डी है, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी डिक्रीज होगी जब एन बढ़ेगा, वेलोसिटी भी, जब काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस के पास ज्यादा, अट्रैक्शन पास ज्यादा होगा तो ज्यादा घूमती है। डी पार्ट है, बिल्कुल सही है। इनफाइनाइट पे जीरो होती है तो जीरो बेटा मैक्सिमम वैल्यू है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एन इक्वल टू वन में सबसे कम, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इनफाइनाइट पर सबसे ज्यादा, जीरो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है टोटल एनर्जी की भाई। 26, अब ध्यान रखना ये जो 4 पाई आर स्क्वायर, इफ द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड एग्जैक्टली, समझ लो भाई, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, पढ़ा है आपने है ना। अगर हमें देखो डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और डेल्टा पी क्या होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ध्यान रखना। अगर हमें लोकेशन एग्जैक्ट मालूम चल गई तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा जीरो, तो डेल्टा पी क्या आएगा बेटा इनफाइनाइट, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपिक पार्ट, हाँ मैक्स आ गया आंसर, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हमने मोमेंटम एग्जैक्टली पता कर लिया तो डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितनी आ गई बेटा जीरो, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ, 30 में आ जाओ। हाँ एमसी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर से कर सकते हो है ना, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताइए तुम्हें, इलेक्ट्रॉन के पूछा है किसका पूछा है, हाँ चलो कर लेना देख लेना। 29 नहीं होगा, हाँ अब देखो D5 समझना इसको, P3 D10 और P6, आपको सर ने बताया होगा कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखो आप ध्यान रखना बेटा, डी और पी दोनों फुली फिल्ड है, मान ली 3D और 3P है, दोनों फुली फिल्ड है, तो 3P और 3D में पास कौन होगा ये बताओ मुझे, न्यूक्लियस के पास कौन होगा 3P और 3D में, P, तो इसलिए P6 की स्टेबिलिटी D10 से ज्यादा। अब आप कहोगे सर P3 भी तो पास होगा, लेकिन P3 क्या है बेटा हाफ फिल्ड है और D10 फुली फिल्ड है, जब दोनों फुली फिल्ड है तो जो पास होगा उसको हमने प्रेफरेंस दे दी। अब इन दोनों में कौन पास होगा, पी, तो फिर P3 आ जाएगा, फिर D5 आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। ठीक है, अच्छा इसका आंसर जो है 30 का ए पार्टी है ना बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ए पार्टी है ना, ठीक है ए पार्ट है, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 31, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल एंड सब शेल रेस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल एंड सब शेल रेस्पेक्टिवली, हो गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन स्क्वायर होते हैं और सब सेल कितने होते हैं 2L+1 होते हैं है ना। एक चीज और, सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल तो हो जाता है ऑर्बिटल इन सब शेल, ये हो जाता है भाई 2L+1 है ना, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल की बात कर रहे हैं, इन सब शेल, बिल्कुल सही है,
एकदम आंसर बताते हो आप लोग, मजा आता है। 12+1। अच्छा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल तो कितना होता है, 2n² है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल कितना होता है, n² होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 3s ऑर्बिटल इज अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल विद टू नोड्स, बिल्कुल सही बात है भाई। टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला बता दो मुझे एक बार, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, टोटल नंबर ऑफ नोड है ना, n-1, ठीक है। अच्छा टोटल स्फेरिकल नोड, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1, बिल्कुल सही बात है, बढ़िया से तुमने फॉर्मूले रट रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ये होते हैं n-l-1, और टोटल एंगुलर और प्लेनर नोड, एंगुलर और प्लेनर नोड्स कितने होते हैं, l के बराबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, l इज इक्वल टू l, गुड। लेकिन ध्यान रखना dx²-y², dxy, dyz, dzx, इन सब में प्लेनर या एंगुलर नोड दो दो होते हैं, लेकिन dz² में कितना होता है प्लेनर नोड, 0, पढ़ लिया होगा ना dz² में, गुड, याद है सबको, हो गया 32। हाँ कॉनिकल नोड होती है, कौन होती है दो, बहुत बढ़िया, ओके। 33, Hg+ स्पेक्ट्रम जंप फ्रॉम n=4 to n=2 बाई 1/λ = r(z²)/(n²)-1/n²), इसको ये लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, तो 1/λ = r, Hg+ z कितना होगा 2 का स्क्वायर, 4 n2 कितना 4 - n1 कितना है n1 4, अच्छा 4 से 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये 16, तो निकाल लो जरा, और ऐसे नहीं जैसे मैंने करा है वैसे करना है, आप अपने तरीके से भी क्या करो और छोटे तरीके से, तो ये 16, 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, लैम्डा कितना आ गया, 1/3 r आ गया ना, क्यों भाई 1/3 r आ गया लैम्डा, 4/3 r आ रहा है ना, सही है। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, लैम्डा 4/3 r है ना, 4/3 r, r z² 1/n1² - 1/n2², n1 n2 की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है आ जाएगा सर, हो गया था ये गोरांगी, ओके बेटा ठीक है। अब इसके बाद देखो 37, ओके आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी एक्स है, टोटल एनर्जी, ये रिलेशन आपने याद कर रखे हैं काइनेटिक एनर्जी में। इसके बाद देख लो, अच्छा 35 बता दो, 35 अभी देख रहा हूं बेटा, हाँ देखो 35 ये होता है m=m₀/√1-v²/c², ये फॉर्मूला, m नोट होता है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, m मास है, इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। अगर देखो कोई भी, अब इसमें क्या दे रखा है 35 में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, आप v की जगह c करोगे तो c/c कितना आ जाएगा, 1, 1-1, 0, तो m कितना आ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। नीचे क्या लिखा है, m=m₀, ये रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, 1-v²/c² बेटा है ना, अगर v वेलोसिटी से चल रहा हो तो मास ऐसे निकालेंगे, ठीक है तो 0। 36 करा दो, 36 में क्या प्रॉब्लम है बेटा, डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, सही है ये, λ=h/√2mke, इस ये भी सही है आपने करा हुआ है, कहां से आया है अभी याद करना, फिजिक्स वाले सर बताएंगे कहां से आया है। इसके बाद c, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/√r, बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो और रेडियस का फॉर्मूला लिखो, आ जाएगा ये सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन √r, वेलोसिटी कितना होता है z/n, रेडियस n²/z, आ जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ लाइंस,
इनटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इक्वल टू टू, ये गलत हो गया बेटा, एन इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू, ये किसके लिए है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो, इसलिए डी पार्ट गलत है इसका। 37 कर लोगे, सी भी गलत है, सी गलत नहीं है, अंडर रूट वन अपॉन आर निकाल के देखना, गलत क्रिया करिए गलत है, सी सही है, कर्तव्य वगैरह सही है, सही है, एक बार दोनों में रिलेशन निकालना जरा, सही है, विशाखा भी सही बोल रही है, चलो सही है, जो गलत बोल रहे हैं एक बार अच्छे से करो इसको। 38 हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। 39, 38 का बी पार्ट है, 39 द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन डिजिट स्क्वायर, जीरो हो गया। 40 सी पार्ट, फोर आ जाएगा 40 का, हाँ अच्छा। 43 सब लोग पूछ रहे हो, देखो भाई 43 में एक एग्जैक्ट मतलब सही फील होने वाला रीजन मुझे भी नहीं मिला इसका, कोई बताएगा आप में से, अगर किसी को बढ़िया से पता हो तो मुझे बताना, मैं आपको समय दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 43, इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन और आपको दिया था, अगर 1/6 कर देंगे 1/12 की जगह, ठीक है, मेरे हिसाब से उसका आंसर 18 ही होगा, मेरे हिसाब से भी 18 ही लग रहा था, लेकिन आंसर 9 दिया है, तो एक बार बेटा समय और लगाओ जरा, है ना, 1 एमवी तो 1 एमवी होता है, सही बात है, एक बार सही एक्सप्लेनेशन तो मुझे जरूर बताना व्हाट्सएप पर, किसको मालूम चलेगा, नो आएगा, आ गया समझ, गौरांगी बोल रही है समझ में आ गया, सुमित सर ने 9 कहा था, आंसर भी 9 दे रखा है ना, लेकिन एक ना फील होने वाला एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिला, देखता आप में से कौन बताता, हम समय देते हैं, ऐसे क्वेश्चन बीच में आएंगे कम से कम हमारे याद भी होंगे, आंसर तो 9 ही दे रखा है इसमें, रिलेटिव मास हाफ हो जाएगा शायद, यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। चलो एक बार करना इसको, फिर सुनो अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पता है, 2s+1 टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फॉर्मूला सर ने बताया होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 है ना, मैं भेजूंगा, देखते चलो कौन भेजता है, और टोटल नंबर ऑफ स्पिन का फॉर्मूला प्लस माइनस हाफ इनटू एन, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा होगी, और सब में ए बी सी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। अच्छा 1 एमयू को 1 एमयू कंसिडर करेंगे तो 18 को, काफी बच्चे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ठीक ठीक सा रीजन, चलो देखते हैं। चलो भाई अब वो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में, क्योंकि एन पे डिपेंड करता है और बाकी सब में एन प्लस एल पे एनर्जी डिपेंड करती है, तो हाइड्रोजन आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई,